नमस्ते, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ एक DIY। देखो कैसे लगता है आपको। तो ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो देखिए, वीडियो को एंजॉय करिए। आज हम बनाएंगे कुकर का जो खाली डब्बा रखा था, इससे एक डेकोरेटिव आइटम, आप बास्केट कह सकते हैं या कुछ भी, आप सामान ऑर्गेनाइज़र कह सकते हैं, आप उसमें कुछ भी रख सकते हैं जो आपका मन करे। देखो, ये हमें काटने नहीं है, इन्हें अंदर को ऐसे ही फोल्ड कर देंगे ताकि थोड़ी इसकी दीवारें ना मजबूत हो जाएं, अच्छी सी लगेंगी, फिर पकड़ेंगे तो टूटेंगी नहीं। ये एक गत्ता मैंने लिया है, इसी में से जो निकला था इसे मैं नीचे रख दूंगी, नीचे भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा इससे। ठीक है, इसमें मैं फेविकोल लगा देती हूँ। वही मेरे पास फेविकोल है, और ये जब हमारे यहाँ पे लकड़ी का काम हुआ था ये तभी का बचा हुआ रखा है। अब मैं इस पे सारे पे ऐसे पतला पतला फेविकोल लगा लूँगी, ज़्यादा पतला फेविकोल ना करें ताकि फिर ना, वरना हम इस पे चार्ट पेपर चिपकाएंगे तो वो चार्ट पेपर गल जाता है, इसलिए थोड़ा हल्का हल्का सा और गाढ़ा सा होना चाहिए फेविकोल। देखो, ये चार्ट पेपर है डिजाइनर, इस पे मैं इधर से ही शुरुआत करूँगी ताकि बीच में जोड़ना आए, ऐसे चिपकाते हुए मैं इसे अंदर तक अच्छे से इसमें पेस्ट कर दूँगी। देखो, ये पूरा सेट हो गया है, इसे हाथ से थोड़ा प्लेन कर दें इसको, अगर एक आध सलवट आ गई है कोई छोटी मोटी तो। अब इसे यहाँ पे भी फेविकोल लगा के इसे अच्छे से इस पे चिपका देंगे। फेविकोल जब गीला होता है तो थोड़ा खुल जाता है, तो थोड़ा अच्छे से चिपकाएं आप। 1-2 मिनट बाद दोबारा से इसको दबा देंगे तो ये सेट हो जाएगा पूरा। ये तीन तरफ हो गया, इस साइड और इस साइड। अभी हमें और लगाना है पेपर इसमें, तो ये मैंने इसके साइज का पेपर काट लिया है, इसी की साइड में से जो बचा था चार्ट पेपर की साइड में से वो मैंने काट लिया है, तो ये मैं चिपका रही हूँ। इधर भी इसको मैं चिपका दूंगी अच्छे से। अब मैं आपको बाय स्टेप बाय बता रही हूँ, तो इसलिए आपको वीडियो लंबी लग सकती है, लेकिन आप देखिए ज़रूर, कुछ तो थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा ही आपको कि हम बेकार सामान से क्या अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। ये फर्स्ट हो गया। अब इधर की साइड में देखती हूँ जुगाड़ लगा के, क्योंकि चार्ट पेपर थोड़ा था तो मैंने पहले ये चिपकाने की कोशिश करी, अब ये इसके साथ का ये मिला है मेरे को, इसलिए मैं इसको यहाँ पे चिपका देती हूँ। दबाइए, देखो फेविकोल वाला ये सूख जाएगा तब दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी। ऐसा ही इसका मैं एक और टुकड़ा इसमें चिपका दूंगी, तो ये एक टुकड़ा और मैंने इसमें चिपका दिया। देखो पूरा कवर हो गया ये, इसे मैं बाहर को ऐसे फोल्ड कर दूंगी, ये पूरा फोल्ड हो जाएगा ऐसे। अभी थोड़ा कम चिपक रहा है, लेकिन मैं दबा के चिपकाऊँ तो ये चिपक जाएगा। सूखने के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाता है। देखो अंदर से हमारी ये पूरी तैयार है। अब हम ये इस तरह की सुतली जो मार्केट में मिलती है, ये हॉट ग्लू गन लगा लेंगे हम इस पे। ये मैंने पहले गर्म होने रख दी थी,
ये मार्केट में मिल जाती है, इसकी स्टिक आती है, इसको लाइट में लगा देते हैं तो ये गर्म हो जाती है, फिर लिक्विड ये जेल निकलता है इसमें, तो उससे जल्दी चिपक जाता है ये। हम ऐसे ही इसको चिपका लेंगे। शुरू के एक दो राउंड इस तरह चिपकाने हैं, बाकी सब आप फिर फेविकोल लगा के चिपका सकते हैं, क्योंकि इससे जल्दी चिपक जाता है, हिलता नहीं है। फेविकोल से एकदम सेट नहीं होता, उसे सेट होने में टाइम लगता है, ये 1 मिनट में ही सेट हो जाती है, 1 मिनट से भी कम टाइम में। तो देखो मैंने ये इधर चारों तरफ इसके एक लाइन बना ली है पूरी इससे, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, मैं 2-3 लाइन और बना लूँगी इस पर। ठीक है, ऐसे ही करते हुए मैं 3-4 लाइन बना लूँगी, यहाँ तक पूरे में बनाना है वैसे तो ये ऊपर तक हमें। अब हम यहाँ कॉर्नर पर लगाएंगे थोड़ा सा, तो ये देखो ये यहाँ पे सेट हो गई। फिर हम आके वापस फिर इस कॉर्नर पे लगा देंगे थोड़ा, तो ये हिलेगा नहीं। बीच में लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, शुरू में 1-2 लाइन में लगा लो, फिर कॉर्नर कॉर्नर पे लगा दो, तो ये रस्सी सेट होती चली जाएगी इसके साथ। ठीक है, इस तरह आप करते रहिए कॉर्नर कॉर्नर पे लगा के, तो ये पूरा सेट हो जाएगा। इससे आपका मटेरियल भी ज़्यादा नहीं लगेगा, रस्से लूज भी नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल मिला मिला के लगानी है आपको रस्सियाँ, ज़्यादा दूर दूर नहीं लगानी, ताकि ये सब दिखाई ना दे। ठीक है, तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ, देखती हूँ कितना कर पाती हूँ, फिर आपको दिखाऊँगी। ठीक है, अभी देखो मैंने इतने लगाया, अब मैं फेविकोल की मदद से लगाऊँगी इसको। मैं पूरे पे ऐसे फेविकोल पेस्ट कर लूँगी, पतला पतला सा, क्योंकि रस्सियों में हल्के हल्के रोएं होते हैं तो वो इससे चिपक जाएंगे, फिर रस्सियां वैसे भी नहीं हिलेंगी। अब नीचे से सेट हो ही गई हैं रस्सियां, तो मैं ऐसे करते हुए इस पर फेविकोल लगा लूँगी चारों तरफ 1-1 इंच पहले, क्योंकि सूख जाएगा फेविकोल भी, इतने जल्दी जल्दी हम काम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए लगाते हुए इसको। देखो ये चारों तरफ लग गया है अच्छे से, ऐसे करते हुए थोड़ा इसको दबाते हुए हाथ से, ये ऐसे मैं इसको पूरा सेट कर दूंगी। ठीक है, ये मेरे को पूरा बनाना है, ऊपर तक भरना है पूरी लाइन, कुकर का जितना भी दिखाई दे रहा है ऊपर तक एडवर्टाइज सब ढकना है इसी से मेरे को। ठीक है, आप भी ऐसे ही करें, देखो ठीक ऐसे ही दबाते हुए देखो ये मेरा पूरा हो गया है। अब यहाँ मैंने रस्सी काट दिया, इसे मैं यहाँ पे देखो ग्लू गन से थोड़ा सा, ताकि ये लूज ना हो, फेविकोल से हट जाती है, इससे थोड़ा सा दबा देंगे इसको अच्छे से। ठीक है, ये पूटी में पेटी पूरी कवर हो गई है देखो रस्सी से, अब कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, अंदर से भी और ये इधर से भी। ठीक है, अब हमने ये 2 रस्सियाँ ली हैं, मैंने पेटी के चारों तरफ नाप के उससे थोड़ी ज़्यादा बड़ी ली है, मतलब आप पेटी से चारों तरफ मैंने नापा एक रस्सी को और उसकी 2 गुनी कर ली, अब फिर वैसी वैसी 3 ली हैं। अब मैं इन्हें यहाँ से थोड़ा ये हिले ना, ताकि तो इन पे ये ग्लू लगा रही हूँ, थोड़ा ऐसे मैं इसको कर दूँगी, ये हिलेंगी नहीं फिर। अब मेरे हाथ भी बहुत गंदे हो गए हैं ऐसे बनाते हुए, चिपक चिपक, तो ये मैंने इसके ऊपर कैंची रख दी है। और देखो मैं इसे इसकी अब मैं चोटी बनाऊंगी, जैसे हम चोटी बनाते हैं अपने बालों की, देखो ये निकल जा रही है, हिल रही है, कैंची में वेट कम है ना। आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, फिर मैं अच्छे से बनाऊँगी इसको। देखो इस तरह हमें चोटी बनानी है इस रस्सियों की, 2-2 लेके मैंने 6 रस्सियाँ ली हैं, तो 2-2 में डिवाइड करके इसकी मुझे चोटी बनानी है। इस तरह मैं पूरी रस्सी की चोटी बना लूँगी। देखो ये देख रहे हैं आप, ये मैंने नीचे ग्लू से चिपका दिया इसको फर्श पे, पूरी रस्सी की चोटी बना के तैयार कर ली। ठीक है, और मेरे पास ये वाइट कलर की लेस है, पड़ी थी काफ़ी टाइम पुरानी, तो अभी मैं ये इस पे चिपका दूँगी। शुरुआत करती हूँ
पहले मैं ऊपर चोटी भी चिपका दूंगी इसी के साथ। ये यहाँ पे ये चिपका दिया है, और इसके नीचे यहाँ पे मैं ये लेस चिपका दूंगी। ठीक है, अब ये लेस को मैं पेटी के चारों तरफ ऐसे करते हुए इस चोटी के नीचे, ठीक है, तो इस पे भी मैं ऐसे, देखो ये मैंने पूरी लाइन से चिपका दिया है, ऐसे ही मैं इसे चारों तरफ चिपका दूंगी। ये मैं इसको काट लेती हूँ। देखो ये मेरे पास लेस बच गई थी तो मैंने इससे थोड़ा सा डिजाइन बना दिया। अब मैं ये थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा सा ग्लू लगा के ये जो मैंने चोटी बनाई है रस्सी से, ये इस पे पेस्ट कर रही हूँ सबसे ऊपर की साइड। इससे अच्छा सा लुक आ जाएगा, इसमें किनारी सी बन जाएगी डिजाइन, ये अच्छी लगेगी। और स्टिक ख़त्म हो गई है, अब ये मैंने स्टिक ली है, लगाई है, तब ये दोबारा चली है, स्टिक ख़त्म हो गई थी। मैं पहले फर्श पे बैठ के बना रही थी, लेकिन अब मुझे इधर बैठना पड़ा सोफे के इधर, क्योंकि बोर्ड यहीं था बिजली का। देखो ये चारों तरफ मैंने लगा दिया अच्छे से, इस पे देख रहे हैं आप कितनी प्यारी लग रही है ना ये टोकरी। आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, मेरे पास ये फ्लावर पड़े थे कपड़े के, मैं इसे बनाने के लिए केवल ये रस्सियाँ खरीद के लाई हूँ जो सुतली बोलते हैं जिसको। ये फ्लावर मेरे पास पहले से पड़े थे, ये लेस मेरे पास पहले से पड़ी थी, ये ग्लूगन जो है वो अभय यूज करता था पहले अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए। देखो कितना प्यारा ये बनकर तैयार हुआ है बास्केट। कोई कह देगा इसको कि ये कुकर की पेटी थी? तो ऐसे ही आप भी बनाएं। देखो हम बेकार से बेकार सामान से भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप अपना कुछ भी सामान ऑर्गेनाइज कर लीजिए, एक ऑर्गेनाइजर बन गया आपके लिए अच्छा। देखो मैंने इसको यहाँ रखा है, अब इसमें मैंने रख दिया है कि कुछ किताबें, डायरी, उसका हेडफोन, और ये हो गया है एक एंटीक सा काम। बनाएं आप भी, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज को बहुत बहुत ज़्यादा लाइक करें, और अपने दोस्तों से भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में।